हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। रॉड राइडर 007 दोस्तों, जा रहा हूँ दिल्ली बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करने जा रहा था। सोचा कि चलो आपको भी दर्शन कराए जाए। दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ वीडियो में बने रहना। घर से निकला हूँ अभी 7:15 बजे, मुझे किसी को लेना है और उनको लेके जाना है वीजा ऑफिस। वीजा ऑफिस मीन्स शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है दिल्ली के अंदर, कनॉट प्लेस। वहां पर वीजा ऑफिस जाएंगे। मैं आपको बंगला साहिब, उसके ही टच में ही बंगला साहिब गुरुद्वारा है, तो मैं आपको बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों मैं नहीं मानता। दोस्तों कस्टमर के घर के बाहर खड़ा हूं, एक पराठा घर से खा के निकला हूं। खाने का सुबह सुबह नहीं खाई जाती इतनी रोटी, तो एक पराठा दही के साथ और थोड़ी चाय ली है, प्लस दो पराठे मैंने पैक करवा लिए ताकि मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। बाहर का इतना नहीं खाया जाता दोस्तों, बाहर का खा के ना परेशान हो चुका हूँ, इसलिए दिल करता है घर का खाना लेके चलूं और घर का खाना ही खाया जाए। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है सर, जब मौत मेरे सामने आए तब मैं डरा हुआ ना लगूं। तो दोस्तों हम पहुंच गए बंगला साहिब गुरुद्वारे। शिवाजी स्टेडियम के बिल्कुल साथ में ही लेफ्ट में ही टर्न आता है, तो जैसे ही टर्न करोगे तो वहां की पार्किंग मिल जाएगी। ये देखो, ये सामने राइट में पार्किंग है और लेफ्ट में बंगला साहिब गुरुद्वारे अंदर जाने का रास्ता, और ये पार्किंग के अंदर मैं गाड़ी लगा रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही मैं नीचे गया स्लिप दी उन्होंने मुझे, और 2 ही घंटे के लिए यहाँ पर पार्किंग है। 2 घंटे से लेट करते हैं आप लोग तो शायद आपको कह सकते हैं कि भैया पेनल्टी दीजिए। गाड़ी लगाने के बाद दोस्तों मैं आ गया बाहर, वहीं पे ही मार्केट बनी हुई है थोड़ी सी बाहर, चाय पकौड़ा वगैरह और कुछ खरीदारी, रुमाला वगैरह या कुछ भी लॉकेट वगैरह आप ले सकते हैं। दोस्तों जैसे ही एंटर किया तो सेवादारों ने यहाँ पर पानी की छबील लगा रखी थी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पानी की सेवा चल रही है। तो इसके बाद दोस्तों मैं चल दिया आगे की तरफ। आगे जैसे ही मैं चला दोस्तों, मैंने अपना रुमाल अपने सिर पर बांध लिया, क्योंकि गुरुद्वारे का एक नियम है, एक सिस्टम है कि अपना सिर को ढका होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखा तो यहाँ पर दवाइयों की भी सेवा चलती है। तो अब दोस्तों मैं चल दिया आगे के लिए। आगे चला तो दोस्तों ये एक गेट बना हुआ है, यहाँ पर शायद हो सकता है लंगर की व्यवस्था होती होगी। जब कोई बाहर से आता है तो उनको लंगर की सेवा से उनको लंगर खिलाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आया तो मुझे जूते उतारने थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ था जूता घर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं चला गया नीचे की तरफ, बेसमेंट बनी हुई है, यहाँ पर जूते रखने की जगह बनी हुई है, तो यहाँ पर जूते रखे। और दोस्तों बाहर आने के बाद मैंने पानी से हाथ धोया, हाथ धोने के बाद दोस्तों मैं आ गया गुरुद्वारे के फ्रंट पे, गुरुद्वारा साहिब बंगला साहिब गुरुद्वारे में। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही प्यारा, यहाँ पर फॉरेनर्स भी आए हुए थे कुछ, आप देख सकते हैं। वगैरह स्नैप वगैरह ले सकते हैं फ्रंट के साथ सामने, लेकिन अंदर जाने के बाद आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी स्नैप वगैरह कराई और उसके बाद दोस्तों मैं अंदर माथा टेकने चला गया। फिर मैंने बैक साइड में गया तो मैंने देखा बहुत ही प्यारा सरोवर बना हुआ था। दोस्तों यहाँ पर ही बहुत प्यारी प्यारी फिश आपको देखने को मिलेंगी, और ये सारा नज़ारा आपको बाहर का दिखाया जा रहा है कि सरोवर के चारों तरफ कैसा बना हुआ है। तो ये देखो आप फिश, मछलियाँ कितनी प्यारी प्यारी। और यहाँ पर मैंने देखा है हर गुरुद्वारे में ऑलमोस्ट ये सरोवर होता है और वहाँ पर फिश ज़रूर मिलती हैं। दोस्तों बहुत ही क्यूट क्यूट फिश थी ये जल पिलाते हुए। देखो यहाँ पर दोस्तों पैर रख कर जाते हैं अंदर ताकि ये चरणामृत बन सके। तो दोस्तों बाहर देखा आकर मैंने कि भैया यहाँ पर तो सीटी स्कैन एमआरआई सब फ्री सेवा चल रही है। अरे वाह यार क्या बात है। तो यहाँ पर जयकारा लगाना तो बनता ही है। दोस्तों देखो यहाँ पर बिल्कुल पूरा लिस्ट बना हुआ है कि एमआरआई वगैरह, यहाँ पर फिजिशियन वगैरह डॉक्टर वगैरह बैठे हुए हैं और आपको फ्री चेकअप देंगे। दोस्तों ये मैं हूँ जो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक जयकारा बनता है दोस्तों कि बंगला साहिब गुरुद्वारे में आए हैं, तो एक जयकारा। इसके बाद आ गया दोस्तों मैं बाहर, जहाँ ये पार्किंग में से गाड़ियाँ निकल रही हैं। इसके दोस्तों 2 गेट हैं, एक फ्रंट एक बैक। तो दोस्तों मैं फ्रंट बैक से आया और फ्रंट से निकला, तो ये बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन। कुछ बाहर दुकानें बनी हुई हैं इस प्रकार से।
तो दोस्तों पार्किंग के अलावा कहीं गाड़ी लगाते हो तो ऐसे टॉर्चर करके आपकी गाड़ी को ले जाया जाएगा पुलिस स्टेशन। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी बताना दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए